अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, अल्लाह ताला के फजल और शुक्र के साथ हम लोग आज आपकी खिदमत में हाजिर हैं। आज की वीडियो में हम लोग आप लोगों के लिए बहुत ही प्यारा सरप्राइज लेके आए हैं। ये आपके सामने हम लोगों ने चाबियां रखी हुई हैं। पिछली वीडियो में हम लोगों ने आपको दिखाया था कि नार की चाबी कैसे बनती है, क्या क्या चीज़ें उसमें इस्तेमाल होती हैं और किस तरह वो शुरू होती है। तो आज की वीडियो में हम लोग आप लोगों को ये रिबन वाली बताएंगे कि ये कैसे बनती हैं, किन क्या क्या चीज़ें इसमें इस्तेमाल होती हैं, और मुकम्मल तरीका आपको बताएंगे और पूरी एक चंगेर बना के दिखाएंगे। तो सबसे पहले हम लोग चाबियों के डिज़ाइन देख लेते हैं। ये देखें, माशाल्लाह से बहुत ही प्यारा डिज़ाइन है। दूसरा हमारे पास ये है, ये भी बहुत ही प्यारा डिज़ाइन है, आपको मुकम्मल तरीका बताएंगे। ये जोड़ा है हमारे पास, दूसरी ये हमारे पास है, ये भी माशाल्लाह से बहुत ही प्यारा डिज़ाइन है। और ये देख लें, इसमें आप लोग ये वाइट कलर की जगह येलो भी इस्तेमाल कर सकते हैं। हमें कुछ लोगों ने कहा था कि हम लोगों ने येलो लगवाना है, तो हम लोगों ने येलो लगा के दिया था, बहुत ही प्यारी वो भी लग रही थी। ये अपनी जगह प्यारी लग रही है, येलो कलर अपनी जगह प्यारा लगता है। ये भी हमारे पास जोड़ा है। तो चलें जी, हमारा कॉटन आ गया, आप कॉटन को खोलते हैं और आपको हम लोग सामान दिखाते हैं। हम लोग इकट्ठा माल ले आए थे कि ये छाबियाँ कैसे बनती हैं, क्या क्या चीज़ें इनमें इस्तेमाल होती हैं, वो सब आपको दिखाएंगे। चलें अम्मी जान, खोलें कॉटन। माशाल्लाह से ये देखें, ये बहुत ही प्यारा कलर है, ये रेड कलर है। ये आपको डार्क में भी मिल जाएगा और हल्का भी इससे है हमारे पास। ये भी बहुत ही प्यारा कलर है, ये भी छाबी में बहुत प्यारा लगता है। ये व्हाइट और ग्रीन के साथ जब लगाएं तो बहुत ही प्यारा लगता है। अभी हम लोगों ने ये रेड की कोई छाबी नहीं बनाई, हम लोगों ने पिंक की यूज़ की है, लेकिन अब अगली वीडियो में आपको रेड की भी बना के दिखाएंगे। माशाल्लाह से ये बहुत ही प्यारा कलर है, ये माशाल्लाह से व्हाइट कलर है, ये भी बहुत ही प्यारा लगता है। ये पिछली चंगेर में मैंने आपको दिखाया था, इसमें व्हाइट इस्तेमाल हुआ, देखें कितना प्यारा लग रहा है, ग्रीन पिंक और व्हाइट है। अगली वीडियो में हम लोग आपको रेड व्हाइट और ग्रीन की बना के दिखाएंगे, ये भी बहुत ही प्यारा कलर लगता है। माशाल्लाह से ये देखें, ये ग्रीन कलर है, ये हमारे पास थोड़ा सा हल्का है, इसमें डार्क भी मिल जाता है। ये छाबी में हम लोगों ने ग्रीन, इससे थोड़ा सा डार्क है, बहुत ही वो भी प्यारा लग रहा है, ये भी बहुत ही प्यारा लगता है। ये भी इनके साथ के आएंगे, छोटे हम लोगों ने लैदा ले लिए थे। माशाल्लाह से ये येलो कलर है, ये भी देखें बहुत ही प्यारा लग रहा है, ये भी हल्का थोड़ा। अब हम लोगों ने थोड़े थोड़े ना हल्के कलर मंगवाए हैं, कोई ज़्यादा डार्क है कोई हल्के हैं, ये भी बहुत ही प्यारा कलर है। ये देख लें, ये रेड कलर है, ये इसके साथ देख लें, ये वो थोड़ा सा डार्क है, ये हल्का, ये भी बहुत ही प्यारा लगेगा आपको। हम लोग ऐसे ऐसे डिज़ाइन बना के दिखाएंगे कि कलर खुद ब खुद उठेंगे, बहुत ही प्यारे लगेंगे। ये देखें, ये पर्पल कलर है, ये हम लोगों ने फर्स्ट टाइम मंगवाया, ये बहुत ही प्यारा कलर। भी इस कलर की कोई भी चंगेर नहीं बनाई और ना ही वीडियो में दिखाई है, लेकिन नेक्स्ट वीडियो में हम लोग आपको न्यू न्यू कलर की न्यू न्यू छाबियां दिखाएंगे, बहुत ही प्यारे लगते हैं ये कलर। ये देख लें आपके सामने कितना प्यारा लग रहा है। ये व्हाइट कलर है इनके साथ का ही, ये हम लोगों ने बड़ा ले लिया था, वो छोटे हैं। ये देख लें, ये ब्लू कलर है, ये पर्पल और कलर है और ब्लू और कलर है, ये भी बहुत ही प्यारा लगेगा जब इसको व्हाइट कलर के साथ लगाएंगे। ये देख लें व्हाइट के साथ कितना प्यारा लग रहा है, और जब चंगेर बनाएंगे उसका डिजाइन बनाएंगे तो बहुत ही प्यारा ये भी लगेगा। ये माशाल्लाह से हमारे पास पिंक कलर आ गया, ये तो हम लोगों ने आपको दिखाया ही होगा पिछली वीडियो में भी, छाबियों में इस्तेमाल करते हुए दिखाया होगा। ये बहुत ही प्यारा कलर लगता है, व्हाइट के साथ बहुत ही प्यारा लगता है। ये देखें, इसमें भी पिंक कलर इस्तेमाल हुआ है, बहुत ही प्यारा लग रहा है। ये हमारे पास येलो आ गया, ये अम्मी जान बना रही थी तो वही हम लोगों ने कहा चलो ये भी दिखा देते हैं, वो तो न्यू माल है सारा, ये अभी काटे हुए, ये देखें पीस बनाए हुए हैं। ये अम्मी जान बना रही थी, मैंने कहा चलो ये भी वीडियो में दिखा देते हैं। ये देखें, हम लोग भाई पितलियां भी ले आए थे, इनकी भी आपको एक बहुत बड़ी चंगेर बना के दिखाएंगे, बहुत ही प्यारा लगता है। इसमें धागा यूज करेंगे, आपको पिछली वीडियो में हम लोगों ने दिखाया होगा कि इनमें धागा लगाते हैं, और अम्मी जान बना के भी दिखाई थी, लेकिन ये वीडियो जो हम लोग बनाएंगे भड़ी चाबी की, वो आपकी आपको पूरी बना के दिखाएंगे, और वो डेकोरेशन पीस बनाएंगे हम लोग, बहुत ही प्यारा लगता है। इसमें ये दो कलर लिए थे हम लोगों ने, ये देख लें, ये दो गोल्डन के और एक ये सिल्वर, बहुत ही प्यारा कलर है, व्हाइट कलर भी। ये देख लें चमक इसमें कितनी है, बहुत ही प्यारा लगेगा ये भी। इनमें हम लोग ये वाले धागे यूज करेंगे कि जो भी अच्छे लगेंगे, धागे भी कल हम लोग ले आए थे, ये गोल्डन के साथ ये अच्छा लगेगा, और इसके साथ ये कोई भी लगा सकते हैं, जो कलर अच्छा लगे प्यारा लगे उनके साथ कोई भी आप लगा सकते हैं। तो चलें व्यूअर, आपको सामान तो सारा हम लोगों ने दिखा दिया था, और अब हम लोग आपको बना के शुरू से अम्मी जान आपको दिखाएंगी कि अगर आपने सीखना है तो वीडियो पूरी देखें, फिर आपको समझ आ जाएगी एक एक स्टेप की। तो चलें शुरू करते हैं। पहले सबसे हम लोगों ने ये पीस बना लेके हमारे पास पहले से रखे हुए थे, ये आप लोगों ने जितना नाड़ होता है उतना ही लंबा और बारीक बना लेना है। ये देखें, ये इतने इतने आप लोगों ने पीस बना लेने हैं। ये अम्मी जान आपको ये बना के भी दिखाएंगी कि कैसे बनाते हैं। तो ये ले अम्मी जान शुरू करें और पीस बना के हमें दिखाएं कि कितने कितने बनाते हैं।
आप हमारी वीडियो पूरी देखा करें ताकि आपको मुकम्मल तरीका समझ में आ जाए और आगे आगे शेयर भी किया करें। तो ये देखिए अम्मी जान हमें बताएंगी कि ये कैसे बनाते हैं। ये देख लें, आपने इतनी लंबाई लंबाई ले लेनी है, इतनी लंबाई आपने काट लेनी है। जो लोग नार कलर नहीं कर सकते ये उनके लिए हैं, वो अपने शौक से इनकी बना सकते हैं। ये हर कलर के मिल जाते हैं आपके सामने, हम लोगों ने रखे हुए हैं, हर कलर के हैं, और भी कलर के मिल जाते हैं, लेकिन ये उनके लिए जो शहरों में है, नार वगैरह नहीं वहाँ पे होता, कलर भी नहीं करना आता, किसी से सही नहीं होता, तो ये उनके लिए हैं। वो तो मुश्किल भी बहुत होता है नार को रंग कलर करना, आपको पिछली वीडियो में हम लोगों ने दिखाया था कि कैसे करते हैं। तो ये उनके लिए है जो नहीं, जिनके पास नार नहीं होता, तो ये इनसे अपना शौक पूरा कर सकते हैं। तो ये आप लोग ने इतना पीस ले लेना, काट लेना साथ। तो अब इसके छोटे छोटे पीस बनाने हैं, अम्मी जान आपको दिखाएंगी कि कितने कितने बनाते हैं, देख लें। इतने इतने आप लोगों ने पहले बना लेने हैं, ये साठ हाथ के पीस साथ ही काट लेने हैं हम लोगों ने, ये कैंची के साथ काटने की जरूरत नहीं होती। तो ये देख लें, ऐसे आप लोगों ने बना लेने हैं, बहुत ही आसानी के साथ ये हो जाते हैं, कोई मुश्किल नहीं है। देख लें आपने और भी बना लेने हैं, इतना ही लंबा पीस काट लेना है, अंदाज़े अंदाजे के साथ काट लेना, जितना लंबा रखना हो आपने। इससे ज्यादा भी रख सकते हैं, कम भी रख सकते हैं, ये हाथ के साथ ही काटना है आप लोगों ने। और ये जो यहाँ पे पितली लगी हुई है, आप ना जैसे ये अम्मी जान ने बनाई हुई है डिजाइन, इनका भी डिजाइन ही बनाते हैं। ये देखें अंदर अंदर वो पितली वाली शो की हुई है और बाकी सादा है, और ये एंड पे जो आती है ये भी ये पितली वाली है। तो ऐसे आप लोगों ने देख लेना कि कैसे अच्छा लगेगा, कैसे प्यारा लगेगा, तो ये आपने ऐसे इस्तेमाल करना है। तो चले अम्मी जान आपको अब बताती हैं कि कैसे शुरू करते हैं, बिस्मिल्लाह करते हैं। तो अम्मी जान आपको बताती हैं कि कैसे शुरू करते हैं। सबसे पहले ये हम लोगों ने दो तीन तिनके ले लेने हैं, तो उसके ऊपर ये ऐसे अब लपेटते जाना है। चले अम्मी जान बताएं, ये देखें ऐसे लपेटते जाना, सीधा ही उसे पकड़ के ना ऊपर ऊपर करते जाना है। ये देखें अब ऐसे इसे फोल्ड कर लेना है, देख लें आपके सामने, और फिर उसके ऊपर लपेटते जाना है। ये देख ले, अब इसे सिलाई करते जाना साथ साथ, छोटा जहां भी मुश्किल है ना। ये देख ले कितनी मेहनत होती है, ऐसे छोटा सा शुरू करते हैं और आस्ता 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 वो बड़ा होता जाता है। तो अम्मी जन आपको बताएंगी कि ये कैसे शुरू करते हैं। मैं भी थल्ले करा ओहो, चला। तो चले अम्मी जन आपको बता रही हैं कि ये कैसे शुरू करना है। ये देख लें बहुत ही छोटा होता है और आस्ता आस्ता इस पे बहुत मेहनत होती है। इतना छोटा सा शुरू करते हैं और आपके सामने माशाल्लाह कितनी बड़ी चाबी बन जाती है, इस पे बहुत मेहनत होती है। ये देखें ये हम लोग शुरू से ये पितली वाली कर रहे हैं, आप लोग सादा भी कर सकते हैं, जैसा जैसा मर्जी कर सकते हैं। अभी मैं भी आपको बना के थोड़ी सी दिखाऊंगी, मुझे भी बनानी आ गई है थोड़ी थोड़ी। कल अम्मी जान बना रही थी तो मैंने कहा मैंने भी बनानी है, नाड़ वाली मैंने थोड़ी सी बनाई थी, सही बन गई थी। अभी मैं भी आपको बना के थोड़ी सी दिखाऊंगी। छोटा मुद्दा ना थोड़ा जो मुश्किल होता है। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग आपको पूरा पंखा भी बना के दिखाएंगे शुरू से। ये थोड़ा सा अगर खराब हो जाए तो थोड़ा सा आप काट ले लिया करें, वो आगे से ना ऐसे टूट जाता है, जैसे ये हो गया, तो आप थोड़ा सा आगे काट लिया करें।
माशाल्लाह से ये आपको पूरी अभी अभी हम लोग बना के दिखाएंगे। बहुत ही प्यारा, ये अभी मम्मी जान डिजाइन बना रही है। ये इसके ऊपर से उतर भी जाती है, ये उतार के आप लोग सादा जहाँ पे आप लोगों ने लगाना हो वहां पे भी लगा सकते हैं। ये जब उतारना हो तो अम्मी जान हमें बोल देती हैं, फिर हम लोग उतार देते हैं अम्मी को। ये उतर भी जाती है बहुत इजीली। उतार के दस ये देखने अभी इतना सा बना, ये देखें और अभी आस्ता आस्ता कितनी बड़ी ये बनेगी। ये साथ साथ आपने लगाते जाना है, जहाँ पे देख लें कि आगे से बारीक हो रही है तो आपने दो तीन के लगा लेने हैं। ये साथ साथ लगाते जाते हैं। ये ना हो आप वो लगाना ही भूल जाए और वो बारीक हो जाए, ये ऐसे कहीं से मोटी कहीं से बारीक ऐसे तो नहीं ना अच्छी लगती। तो आपने वहां पे भी गौर करना है कि वहां से अब बारीक हो रही है हमारी तो लाइन, तो आपने फिर वो लगा लेना है। तो ये हमारा इतना ग्रीन हो गया, ये देखें इतना सा गोल बन गया। अब इसके ऊपर हम लोग ये पिंक कलर लगाने लगे हैं। इसके पीस हम लोगों ने पहले से आपको दिखाए थे जो बना के रखे हुए थे, ये हम लोग अब लगाएंगे इसके ऊपर। ये नाड़ वाली चाबी से आसान है बनानी, क्योंकि उसको भी घो के रखना पड़ता है, वो सख्त भी होते हैं और उससे हैंड दर्द करते हैं। ये बहुत ही ईजी है, ये नरम से होते हैं और इजीली बना सकता है इंसान। ये भी ऐसे ही बनाते जाना है, ऊपर ऊपर करते जाना है। ये जो ग्रीन हमारा खत्म हुआ था वो हम लोगों ने ये काट के रख लिया, क्योंकि आगे अब हम लोगों ने पिंक ही लगाना है, ग्रीन नहीं यूज होना, इसलिए वो काट लिया। साथ साथ इसे सिलाई भी करते जाना है, मतलब देख लेना आपने थोड़ा सा फासला ऐसे, ये जितना आप कर लिए हैं हम लोगों ने स्टेप, फिर आगे सिलाई कर देना, फिर इतना सा और स्टेप करके सिलाई साथ साथ करते जाना है। आप हमारी पूरी वीडियो वॉच किया करें ताकि आपको मुकम्मल तरीका समझ में आ जाए, डिजाइन कैसे बनाते हैं, कैसे तिनका लगाते हैं, ये छोटी छोटी चीजें ना समझने वाली होती हैं। ये आगे से ना खराब हो जाता है, ढीला हो जाता है, तो वो ना फिर आप काट लिया करें आगे से थोड़ा सा। साथ साथ आपने ये तिनके भी लगाते जाना है।
ये इस तरह ही पिंक कलर ही लगाते जाना, इसे ना हम लोगों ने इतना सा गोल बना लेना है। ये थोड़ी सी हम लोग वीडियो स्किप करने लगे हैं क्योंकि ये ऐसे ही करते जाना, यहाँ से तो आपको समझ आ गई होगी, फिर आगे जब डिजाइन शुरू करेंगे तब आपको दिखाएंगे आगे।